कि यदि एक रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबीसी की भुजाओं एबी और एसी क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है और बीसी के समानांतर है, तब सिद्ध करें कि एडी बट्टा एबी, एडी बट्टा पूरा एबी बट्टे एई बट्टा एसी, अगर इस तरह का हो तो एक फॉर्मूला एबी हमें तैयार हो जाता है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एडी बट्टा पूरा एबी, एबी फॉर्मूला होता है, दे देगा कभी कभी पूरा का मान रहेगा, क्या रहेगा बताकर दिखाओ, तो इस पर डाउट बना सकते हो। एडी बट्टा एबी बराबर एई बट्टा एसी को सिद्ध करना है। लेकिन दिया हुआ क्या कुछ मानना नहीं है इसमें, क्योंकि पहले से ही दिया हुआ है क्वेश्चन में कि यदि एक रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी को क्रमशः डी और ई पर काटती है तो बीसी के समानांतर है, तब सिद्ध करें। दिया हुआ क्या है, तो डीई समानांतर बीसी दिया हुआ है, तो थेल्स प्रमेय से, तब तो इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय में हम लोग जानते हैं क्या होता है, एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी, होता है ना एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी, या आगे थोड़ा बढ़ते हैं, या इसको हम लोग सीधे उलट देते हैं, ऊपर उलटेंगे तो क्या हो जाएगा, डीएम बट्टा डीबी है भाई डीबी डीबी, तो उलटते हैं ऊपर तो डीबी बट्टा एडी हो जाएगा प्लस बराबर इसी बट्टा एई हो जाएगा, क्योंकि उल्टेंगे तो दोनों तरफ, अगर एक बट्टा दू को, एक बट्टा दू को अगर सीधे दू बराबर दू लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दू बट्टा एक तो बराबर दू बट्टा एक, दोनों तरफ पलटना है, दोनों तरफ पलटना, अब दोनों तरफ करेंगे, अब दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर तो डीबी बट्टा एडी प्लस वन बराबर ईसी बट्टा एई प्लस वन, तो एक क्यों सर, दो क्यों नहीं भाई, एक इसलिए क्योंकि हमको इसमें गुना हो जाता है बट्टा पर का जोर आपको आता है, तो इसको गुना करते हैं तो डीबी प्लस एडी हो जाएगा, डीबी प्लस एडी बराबर हम जानते हैं कि एबी होता है, बस यही करना है, तो डीबी प्लस हल करते हैं, या डीबी प्लस गुना होगा तो एडी हो जाएगा बट्टा नीचा एडी रहेगा बराबर ईसी प्लस एई हो जाएगा बट्टा एई रहेगा, ना भाई बस थोड़ी सी दिमाग लगा, डीबी प्लस एडी, देखिएगा डीबी और प्लस एडी, अगर ये तीन है ये दो है तो पूरा का वैल्यू पांच नहीं हो जाएगा बर्दे, तो इसी तरह डीबी प्लस एडी करेंगे, तो डीबी और प्लस एडी, तो डीबी प्लस एडी के लिए हम क्या करेंगे भाई, तो डीबी प्लस एडी बराबर हम लिख सकते हैं एबी, तो एबी बट्टा एडी हो जाएगा बराबर इसी प्लस एई, इसी प्लस एई बराबर भी क्या हो जाएगा, तो एसी हो जाएगा, तो एसी बट्टा नीचे तो एई है, ये है, या एक बार और इसको पलट दें, या एडी बट्टा एबी बराबर एई बट्टा एसी, यही तो हमें प्रूफ करना था भाई, समझ में आया कि नहीं, ध्यान से देखिए, सिर्फ तो यही करना था, एडी बट्टा एबी बराबर एई बट्टा एसी, कैसे करें हम लोग, तो डीबी बट्टा एडी पहले इसको लिखे फॉर्मूला को लिख दिया, डीबी बट्टा बराबर दोनों तरफ एक जोड़ दिए, जोड़ने के बाद क्या हुआ, डीबी प्लस एडी बट्टा एडी हो गया, इसी प्लस एई बट्टा एई, कहां से सर ला रहे, देखिए अगर हम लोग लिखते हैं एक बट्टा दू प्लस दू तो कैसे लिखते हैं, एक प्लस दू दू ना चार बट्टा दू बराबर पांच बट्टा दू, इस तरह लिखते हैं कि नहीं, जुड़ जाता है, कोना कोनी गुना हो जाता है भाई, जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसमें गुना कर लेते हैं हम लोग, तो इसी प्लस ए ई बट्टा ए ई और ए बी बट्टा ए डी बराबर ए सी बट्टा ए ई, तो ए डी बट्टा ए बी बराबर ए ई बट्टा ए सी प्रूव हो जाता है भाई। तो थोड़ी सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरे भुजा के समांतर रेखा खींची गई है, समांतर रेखा खींची गई जो रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाग करती है, ये हमें सिद्ध करके बताइए, सिद्ध करें कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरे भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाग करती है, तीसरी रेखा को भी वो काट दे रही है, अर्थात हल करते हैं एक त्रिभुज है इस प्रकार, ध्यान दीजिएगा एक त्रिभुज है इस प्रकार ए बी और सी, कहा सिद्ध करें किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा, एक भुजा का मध्य बिंदु ये हो जाएगा, मान लेते हैं डी मध्य बिंदु है
और इससे खींची गई एक रेखा, तो ई हो जाएगा यहाँ पर, खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाग करती है। तो क्या यह तीसरी भुजा को समद्विभाग करती है, अर्थात सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है समद्विभाग करती है अर्थात एई बराबर ईसी, यही हमें सिद्ध करना है। क्या यह बराबर हो सकता है? तो इसके लिए थोड़ा सा हमको लिखना होगा, क्या देखा सिद्ध करें किसी त्रिभुज की भुजा, तो यहां पर लिख देते हैं माना कि ए बी सी कोई त्रिभुज है जिसमें डी रेखा, जिसमें डी रेखा ए, डी रेखा ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, डी रेखा ए बी का मध्य बिंदु है और डी ई रेखा ई बिंदु से गुजरती है। इसके लिए हो गया, थोड़ा प्रमाण करते हैं। दिया है, क्या दिया है, तो डी ई समानांतर है बी सी के, डी ई क्या है समानांतर है बी सी के, अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी, क्लियर है, ए डी बट्टा डी बराबर ए ई बट्टा ई सी है, तो प्रमेय हम लोग जानते हैं। किंतु दिया है डी बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, अतः हम लोग लिख सकते हैं ए डी बराबर डी बी, ए डी बराबर डी बी या ए डी बट्टा डी बी बराबर वन, ए डी बट्टा डी बी बराबर क्या हो जाएगा वन, अगर इसको बट्टा में ला दे तो वन हो जाएगा, समीकरण एक लिख सकते हैं। तो समीकरण एक का मान, समीकरण एक का मान, इसको दो मान लेते हैं, इसको समीकरण एक मान लेते हैं, समीकरण दो का मान एक में रखने पर, समीकरण दो का मान एक में रखेंगे तो ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी हो जाएगा, और ए डी बट्टा डी बी हम लोग का क्या आया है, तो ए डी बट्टा डी बी वन के बराबर आया है, तो ए ई बट्टा ई सी बराबर हो जाएगा ए ई, और इधर आएगा ए ई बराबर ई सी, यही तो प्रूफ करना था, पी आर ओ वी डी है कि नहीं।